हेलो एवरीवन, नीति एम विशेष पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई की तरह बालूशाही, जिसे हम बादूशाह भी कहते हैं। और ये एक ऐसी मिठाई होती है जिसमें दूध और मावे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगती है कि बस मन करता है कि इसे खाया जाए और इसी के गुण गाए जाए। और इसे हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलिए आज बालूशाही को टिप्स के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है, और अगर हम कप से इसे लें तो मेजरिंग कप से ये लगभग 1.5 कप मैदा हमने लिया है। तो मैदे में हम इस तरह से जगह बनाएंगे और फिर इसमें हम मिलाएंगे हल्का गरम किया हुआ देसी घी। आप चाहें तो देसी घी की जगह पर वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमें मेजरिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो 200 ग्राम जो मैदा है, इसमें हमें 5 टेबल स्पून भर के ये देसी घी को मिलाना है। तो ये देखिए 3 चम्मच, 4 और ये 5 टेबल स्पून हमने इसमें देसी घी मिलाया है, और यही आपको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मस लेंगे, और घी में मैदा को हमें अच्छे से मिलाना है, एकदम हथेलियों से रब करते हुए इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 7 से 8 हरी इलायची को क्रश करके लिया है, जिसमें से थोड़ा सा क्रश किया हुआ इलायची हम इसमें मिला लेंगे और बाकी हम इसकी चाशनी में मिलाएंगे। और फिर ये हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे कि मीठा सोडा भी कहते हैं और खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान से इसमें मिलाना है। ये मैंने लगभग, तो इतने में मैंने 1/4 टीस्पून का आधा बेकिंग सोडा मिलाया है, या फिर आप 2 से 3 चुटकी भर के इसमें सोडा मिला सकते हैं। तो पहले एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही, जो कि अगर हल्की सी खट्टी होगी तो बालूशाही खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर हम दही वाली बालूशाही बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो बिना दही के भी बालूशाही को बना सकते हैं। अब हमें इसका डो गूंथना है, तो पहले दही को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाएंगे और इसका डो तैयार करेंगे, जिसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो डो है उसे हम जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं या मसलते हैं, उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। हल्के हाथों से हमें इसे सिर्फ इस तरह से इकट्ठा करते रहना है, और जितनी ज़रूरत होगी उतना करके इसमें पानी मिलाते रहना है। तो ये देखिए, ये अब डो की तरह इकट्ठा होने लगा है और हमने इसे बिल्कुल भी नहीं गूंथा है या मसला है। अब इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है, तो आप ध्यान से इसमें पानी मिलाएं। अब इसे हम रेस्ट पर रखेंगे, तो पहले इसे इस तरह से रख देते हैं और इसे हम गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे हम रहने देंगे। इसके चाशनी के लिए मैंने ये 1 कप पानी को गर्म किया है, जिसमें हम डालेंगे 1 1/4 कप चीनी। एक बार इसे हम मिला देते हैं, और अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने तक इसे हम इसी तरह से पकने देंगे। अब ये चाशनी बाद में क्रिस्टलाइज ना हो और हमारी जो बालूशाही है उस पर भी चीनी की या चाशनी की सफ़ेद परत ना जमे, इसके लिए इसमें हम 4 से 5 बूंदें नींबू का रस डालेंगे। लेमन जूस से क्रिस्टल बिल्कुल नहीं जमता है और बालूशाही एकदम जूसी बनी रहती है, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब जो इलायची मैंने बचा कर रखी है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और साथ ही 1 चुटकी या फिर केसर के कुछ धागे इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए। और इस चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, एक तार से थोड़ी सी कम तार वाली चाशनी बनाएंगे हम। तो ये चाशनी को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है, और ये देखिए जब इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इस तरह से इसे चेक करें तो इसमें आधा तार बनना चाहिए, और अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो चाशनी को हमें सिर्फ इतना ही पकाना है। अब ये बनाई हुई चाशनी को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि जब हमारी बालूशाही तैयार हो तो चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहे। अब इस चाशनी को थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए और बालूशाही के स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये रोज़ एसेंस। ये देखिए, अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और नहीं है तो फिर भी हमारी बालूशाही काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। तो इस एसेंस की कुछ बूंदें मैं इसमें इस तरह से मिला लूँगी। अब हमारे इस बालूशाही के डो को रखे हुए भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं,
और अब हम इसे सिर्फ हाथों से इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। इसकी गुंथाई बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो जो बालूशाही है वो एकदम परतदार या एकदम खस्तेदार नहीं बन पाती है। तो ये देखिए, सिर्फ इस तरह से हमें इसे आपस में जोड़ लेना है मतलब, और फिर हम इसकी बालूशाही तैयार करेंगे। तो इसमें से हम नींबू की साइज की बोल निकालेंगे और फिर हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से दबाएंगे और इसे बाइंड करेंगे, और फिर हम इसे इस तरह से बोल की तरह तैयार कर लेंगे। और फिर ये अंगूठे से हम इसके बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट बालूशाही की ये शेप आ चुकी है इसमें। तो इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम सभी बालूशाही को शेप देकर तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बालूशाही पर ज़्यादा से ज़्यादा दरारें या क्रैक्स नहीं आने चाहिए। इसे हाथों से दबाते हुए हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है और फिर एकदम सही से इसकी बॉल बनाते हुए हम इस तरह से बालूशाही को शेप दे देंगे। अब बालूशाही को तलने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम स्लो आंच पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो तलने के लिए तेल का या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो घी है ये अब थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो ये मैंने कुछ बालूशाही भी शेप देकर तैयार कर ली है। तो इसमें हम धीरे से एक एक करके ये बालूशाही को डालेंगे और आप देखिए कि बिल्कुल भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम हल्का हल्का सा गर्म है। और इसी तरह से हमें घी को या तेल को गर्म करना है, तभी जो बालूशाही है वो अच्छे से बनती है और अंदर तक ये अच्छे से पकती है। तो अब हम इसे स्लो आंच पर ही फ्राई होने देंगे। अब बालूशाही को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें हल्का सा चम्मच चला देंगे और इन्हें इनकी जगह से थोड़ा सा हिला देंगे। इसके बाद जब ये एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और आप देखिए कि एकदम परफेक्ट बालूशाही की तरह इसका टेक्सचर हो रहा है, तो यही हमें चाहिए। ये बालूशाही को फ्राई करने में हमें काफ़ी ज़्यादा सब्र रखना होता है, एकदम भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी होती है। हर 2-2, 3-3 मिनट के बाद इसे हम हल्का हल्का सा पलटते रहेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारी बालूशाही है इन पर बहुत ही अच्छे से प्यारा सा कलर आया है और इसी तरह का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आना चाहिए। और इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग 10 से 12 मिनट आराम से लगते हैं इन्हें सही से फ्राई करने में। तो अब इन बालूशाही को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में निकालने के 1 या 2 मिनट के बाद इसे हम चाशनी में डालेंगे और जो चाशनी है हमारी वो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी गर्म होनी चाहिए कि अगर इसमें हम अपनी उंगली को डालें तो बिल्कुल भी हम अपनी उंगली इसमें ज़्यादा देर तक के लिए ना रख पाए। तो इतनी ही गर्म होनी चाहिए हमारी ये चाशनी, जिसमें हम हमारी ये बालूशाही को 3 से 4 मिनट तक के लिए डूबे रहने देंगे ताकि चाशनी इसके अंदर तक अच्छे से चली जाए और हमारी जो बालूशाही है एकदम रस रसीली और मीठी मीठी बन करके तैयार हो। अब ये जो हमारी बालूशाही है इसने चाशनी को बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, क्योंकि घर पर बनाई है एकदम फ्रेश है, तो ताज़ा ताज़ा बालूशाही खाने का मज़ा ही कुछ और है। या फिर इन्हें ठंडा करने के बाद आप इन्हें आराम से 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं ये बालूशाही को थोड़ा सा पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लूँगी और फिर हम बालूशाही को सर्व करेंगे। इस तरह से ये हमारी बालूशाही अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और अगर आपको मैं इसे तोड़ कर दिखाऊं तो ये देखिए, हमारी जो बालूशाही है ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हल्की सी इसमें खटास होती है और चाशनी की जो स्वादिष्ट मिठास होती है वो तो इसको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाती है। और सभी इंपॉर्टेंट टिप्स, सभी ज़रूरी बातें मैंने आपको इसमें ध्यान से बताई है, तो आप सभी बातों को ध्यान में रख कर इसे घर पर बनाएं। बिल्कुल भी आपको इसे बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सबको बहुत पसंद आएगी। और फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी और टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यमीशस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी बालूशाही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यमीशस।